हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एविएशन जगत में बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये वीडियो ना किसी पढ़ाई से ना किसी जानकारी से रिलेटेड है, बेसिकली मेरे बारे में वाला वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ ये है कि अभी जो है अभी इस सेशन में अब मेरे B2 कैटेगरी के सारे जो लिमिटेशंस होते थे वो क्लियर कर लिया हूँ मैंने। जितने भी मॉड्यूल्स होते थे और सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। इस बार 13 था, तो 13 आप जानते हैं कि वही एरोडायनामिक स्ट्रक्चर और रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम होता है, तो उसमें आउट ऑफ 6154 मार्क स्कोर हुए, तो अभी आई थिंक ठीक ठाक नंबर था। 135 कट ऑफ होता है। तो बेसिकली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं उन सभी स्टूडेंट को बता सकूँ यार, जो बेसिकली फ्रेशर होते हैं, जब स्टार्टिंग में पेपर देते हैं और फेल होते हैं, तो उन्हें किन चीज़ों का मतलब ध्यान देना चाहिए, और पेपर जब फेल होते हो आप कभी भी, तो आपको किस प्रकार से आप उस कंडीशन को आप हैंडल करें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएं, क्योंकि हमें पता है यार ना कि हमारे पास 3 अटैम्प्ट रहता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि 3 अटैम्प्ट बस, तीसरे अटैम्प्ट बाद जनरली बैन लगाता है DGCA। ऐसा सिस्टम होता है, अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आप 3 बार फेल होंगे तो बैन लगाएगा। तो बेसिकली आप चाहे जब भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो कभी भी यार जो है प्रीवियस पेपर के भरोसे मत जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मैंने बहुत बच्चों के मुँह सुना है कि प्रीवियस पेपर, पीपीएस पेपर, ये सब चीज़ें जो हैं बस आपको 1-2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर तक निकलवाएंगे। आपको अगर एक इंजीनियर बनना है, ना कि एक टेक्नीशियन फ्यूचर, आपको अगर एक इंजीनियर बनना है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है सारे पेपर ही निकालने होंगे। अगर आपके पास ना हो, एक भी पेपर नहीं है, तब भी आप नहीं बन पाओगे। तो उस कंडीशन में आप सारी बुकें विथ रेफरेंस उनके क्वेश्चन भी पढ़ रहे होते हैं, उसका रेफरेंस देखो कि कहाँ से आया हुआ है, सब चीज़ अच्छे से कवर करना चाहिए हमें। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि बिना क्वेश्चन पढ़े चले जाना, सिर्फ बुक पढ़ के कभी भी एग्जाम दो इन फ्यूचर तो जरूर पढ़ कर जाओ, सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ो, देखो कहाँ से आया हो, किस बुक से आया हो, उसको पढ़ो, सारी रेफरेंस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक एक पेपर एक बार में फिल करोगे ना, तब भी आप 2 साल में 2-2.5 साल में आसानी के साथ सारे के सारे पेपर क्लियर कर सकते हो। इतनी कोई भी बड़ी बात नहीं होती। मैं अपने बारे में बताऊँ, जब मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था तो मैंने 2 पेपर फिल किए थे और मैं 2 के 2 में फेल हो चुका था। फिर भी देखिए कितने कम टाइम में जो है सारे के मॉड्यूल क्लियर हो गए। अभी जस्ट ही पास आउट हूँ कॉलेज से, कुछ टाइम हुए, 3-4 और महीने लगभग पास आउट हुए, तब भी देखिए कितने कम टाइम में सारे पेपर, मतलब इसको एक ठीक ठाक टाइम हम बोल सकते हैं यार कि हाँ ठीक ठाक टाइम में पेपर जो वगैरह जो है क्लियर हो गए हैं। तो हमेशा जो है रेफरेंस पे ध्यान दीजिए। और अगर आप जैसे कभी भी अगर फेल हो रहे हो एग्जाम में तो ज़्यादा डिमोटिवेट वगैरह मत होइए कभी भी, क्योंकि हमारे पास तो अगला अटैम्प्ट है, हमारे पास लगभग 2-3 महीने का फिर से अगले अटैम्प्ट एग्जाम देने के लिए मौका मिलता है। अच्छे से सारे रेफरेंस जितनी भी बुक्स हैं उनको पढ़िए, उस बुक के लिए देखिए प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, उनको पूरा नोट्स बनाइए कॉपी में, सारे प्रीवियस ईयर लिख लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। अगर मैं शुरुआत करूँ कि मैंने कैसे लाइसेंस एग्जाम DGCA देना शुरू किया और ख़त्म कब किया, ख़त्म तो अभी किया जैसे मैंने बताया, अभी फिनिश किया इस वाले सेशन में। तो जब स्टार्ट किया था तो पहले सेशन में यार मैंने अपने 2 पेपर दिए थे, मैं 2 के 2 पेपर में फेल हो चुका था, आप समझ लीजिए 2 पेपर में फेल हो गया था। और क्योंकि मुझे यार प्रोसीजर अच्छे से स्टार्टिंग टाइम में नहीं पता था क्या होता है, मैं बुक पढ़ के चला गया, लेकिन मैं कुछ एक आधी बुक पढ़ा था और सारी बुक के बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं उस बार फेल हो गया था। उसके बाद मैं बहुत डरते डरते सिर्फ 1 पेपर फिल किया था उस सेशन में, मैंने वो पेपर निकाला, वो भी सिर्फ कट ऑफ पे था। फिर उसके बाद जो है फिर अब उसके जो है नेक्स्ट सेशन में फिर अगेन 3 पेपर फिल किए, वो सारे क्लियर हो गए, और फिर उसके बाद 4 क्लियर किए, फिर इस प्रकार से क्लियर करते और इस बार जो है क्लियर हो गया 13 वगैरह भी। तो मेरा जो है 13 जो है इसके पहले भी मैंने दिया था तो उसमें मैं 2 मार्क्स रह गया था इसके पहले वाले सेशन में, लेकिन इस बार जो है 13 यार अच्छा खासा स्कोर हो गया मार्क्स, 135 कटाते तो 154 मार्क्स आया, आई थिंक ठीक ठाक स्कोर है। तो बेसिकली यही मैं बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को जो भी देख रहे होंगे वीडियो, और क्योंकि अभी तो जैसे सारे पेपर हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, बहुत बड़ा काम मैंने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता यार। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप सारे पेपर निकाल लिए तो बस इंजीनियर बन गए, ऐसा कुछ नहीं। आप जो है फील्ड में हो, चाहे जहाँ भी हो, तो वहाँ पर काम आपको करना पड़ता है, वो काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ए नहीं B1 कैटेगरी के, B2 कैटेगरी को, ऐसा कुछ नहीं, जितना बोले वहाँ काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बोला जाए यार कि कंपनियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ अभी तो कैटेगरी पेपर 4 टाइप के कुछ एग्जामिनेशन वगैरह आ चुके हैं जिनको आप डायरेक्टली क्लियर करके इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन आफ्टर मतलब टाइप राइटिंग एग्जाम होता है सब, आफ्टर एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि जब कंपनी की रिक्वायरमेंट है कोई तभी बनाएगी आपको, तो आप पेपर 4 जैसे एक चीज़ होती है, पहले क्या होता था कंपनी आपको फॉरेन भेज देती है, अभी 2 ऑप्शन आ चुके हैं, आप एक तो पेपर 4 होते हैं और
उसको क्लियर करो, या फिर आपको कॉलेज आपकी कंपनी वाले आपको फॉरेन भेजे तो, और वहाँ पर कहीं से भी आपको टाइप ट्रेनिंग वगैरह करवाएं तो आप उस कंडीशन में इंजीनियर बन सकते हो। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा, अगर पेपर किसी भी स्टूडेंट का क्या क्लियर हो रहा है सारा, तो आप उसके बाद जो है आप अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से लोगों से बातचीत करो, जितना बोलें वो काम करो। क्योंकि यार इंजीनियर बनने के लिए जितना मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, जितना काम करना पड़ता है और सभी के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ अच्छे से बातचीत सभी से करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी किसी प्रकार का अंदर एटीट्यूड वगैरह नहीं होना चाहिए जितना मुझे लगता है। मैं वही बातें आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। और जब पेपर कभी भी नहीं क्लियर हुए तो बिल्कुल डिमोटिवेट वाली चीज़ नहीं है यार, कुछ मतलब ज़्यादा कठिन वठिन काम नहीं होता पेपर क्लियर करना। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आसान सभी सब्जेक्ट जो हम नहीं क्लियर कर पाते, तो ऐसे टाइम में हमें खुद से एक डिमोटिवेट सा अंदर सा फील होने लगता है कि यार अब क्या होगा अब क्या होगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ भरोसा रखो खुद पे यार, निकलेगा, सारा पेपर निकाल सकते हो चाहे जो ये वीडियो देख रहा हो। बस आप जो है सारी रेफरेंस बुकें यार अच्छे से पढ़ लेना, एक पेपर भरो एक बार में, कोई ज़रूरत नहीं है तीन चार पेपर भरने, इतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि एक साल में DGCA का प्लान है कि चार बार कराएगा सब कुछ ठीक रहा। तो जैसा कि आप भी देख सकते हैं, तो तीन भी बार करा दिया ना यार, तो आप लगभग कि दो तीन साल में सारे पेपर कंप्लीट कर लोगे। और जो इजी मॉड्यूल्स हैं कुछ, तो उनके साथ एक पेपर और एक्स्ट्रा भर दो। तो ऐसे करते करते मतलब मेरा मतलब है कि उनको फालतू DGCA को पैसा ना दो बार बार फेल होकर के, एक दो पेपर भरो और उसको क्लियर करो, बस उसकी रेफरेंस बुक पढ़ो और प्रीवियस ईयर पढ़ो। और अगर आपको किसी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए होगी मुझसे बुक्स वगैरह को लेकर के, कुछ क्वेश्चन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम भी जा सकते हो, हमसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में यहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो यही सब था, और मैं आगे का बोलूँ तो जैसे V2 का स्टूडेंट हूँ, तो अब सारे पेपर को क्लियर करने के बाद अब मुझे और कुछ आगे मैं सोच रहा हूँ, तो उसको बाद में बताऊँगा आपको। और मैं इतने दिनों से यार वीडियो वगैरह इतना गैप कर रहा था, तो उसका रीज़न भी एकमात्र ही था कि मुझे बहुत पढ़ना मतलब पढ़ना पड़ा, 13 ऐसे सब्जेक्ट है तो उसके लिए पढ़ना पड़ता ही है। और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा काम, नॉन शेड्यूल है तो नॉन शेड्यूल में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब कोशिश करूँगा कि प्रॉपर वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।